नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन जायसवाल आज लेकर आए हैं टमाटर की एक नई रेसिपी, टमाटर की चटनी। इसमें कौन कौन सी चीज़ें पड़ती हैं, कौन कौन सी ट्रिक यूज होती हैं, ये सब हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। हमने ले लिया है 4-6 टमाटर और ये 2 प्याज, 4-6 कलियां लहसुन की और ये 2 हरी मिर्च, हरी धनिया ले लिया हमने, जीरा ले लिया है और हल्दी पाउडर और 1 स्पून नमक। तो हम ये पैन में तेल डाल दिए हैं, सरसों का तेल लेना है आपको। तेल हमारा हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें जीरा। तो दोस्तों हमने जीरा डाल दिया है, अब जीरा के बाद इसमें हम डालेंगे लहसुन। लहसुन को हमने अच्छे से काट लिया है, तो ये लहसुन डाल दिए, हमें ज़्यादा इसमें लाल नहीं करना है। और ये जो मिर्च हमने काटी थी, हरी मिर्च अब हमने डाल दिए हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज, जो प्याज काटी हमने वो प्याज डाल दिए हैं। सभी को हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और अच्छे से हमें इसे पका लेना है। मीडियम आंच में आपको पकाना है इसे, ज़्यादा तेज़ गैस नहीं करनी है, नहीं तो हमारे प्याज जो है ये तड़का सब जल जाएंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हम इसको जो है बनाने के बाद इसे हम किसी भी चीज़ से खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है। जैसे कि पराठा से भी आप खा सकते हैं, रोटी से भी खा सकते हैं, दाल के साथ भी आप खा सकते हैं, दाल चावल के साथ खाना के साथ खा सकते हैं इसे। तो ये हमारी जो है प्याज जो है पक चुकी है, इसी तरह हमको ब्राउन कर लेना है प्याज को। उसके बाद हम जो इसमें हल्दी लिए थे, हल्दी डाल देना है, तो हमने इसमें हल्दी डाल दिए हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हल्दी डालने के बाद इसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद इसे हम फिर थोड़ी देर तक पकाएंगे। तो ये दोस्तों हमारी जो है हल्दी भी अच्छी तरह से, अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें डालेंगे टमाटर, जो हमने टमाटर काटे थे बारीक बारीक भी आपको टमाटर काटना है, वो टमाटर को जो हम इसमें मिक्स कर लेंगे। टमाटर आपको बारीक ही काटना है ताकि जल्दी हमारा टमाटर पक जाए, इसलिए हम इसे बारीक काटेंगे। तो ये हमारे जो है इसे चटनी बहुत ही टेस्टी बनेगी और बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो चटनी आप बनाएं अपने घरों पे, बहुत ही टेस्टी बनती है। और साथ ही में इसमें हम नमक डालेंगे, नमक आप अपने हिसाब से स्वादानुसार डाल लें। हमने टमाटर के हिसाब से 2 टीस्पून नमक लिए हैं, नमक भी हम डाल दिए। और उसके बाद इसको जो हम अच्छी तरह से पका लेंगे, किसी प्लेट से या ढक्कन से आप इसे ढक देंगे। तो हम इसे जो है प्लेट से ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, लगभग 2-4 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे। तो ये हमारी अब चटनी बढ़िया से पक चुकी है। अब ये देखिए हमारा भी टमाटर भी बढ़िया से मिक्स हो गया है, गल गया है। तो हम इसमें जो है हरी पत्ती धनिया जो लिया था, धनिया को ऐड कर देंगे। धनिया से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हमारी ये चटनी जो है बनकर अब तैयार हो चुकी है दोस्तों। आप इसमें इसे गर्मा गर्म भी खा सकते हैं, ठंडा होने के बाद भी खा सकते हैं, टेस्ट इसका बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद।